हाय गाइस, मेरा नाम है शौरी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली और बेसिक मेकअप कैसे किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लेंगे कलर एसेंस प्री मेकअप बेस। इसको थोड़ा सा लेके अपने पोर्स और टी जोन वाले एरिया में टैप करके लगाना है। प्राइमर हमें स्मूथ बेस देता है सो दैट फाउंडेशन स्मूथ और फ्लॉलेस लगे। फिर हम लेंगे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड द शेड 322। इसको ज़्यादा नहीं लगाना है, जस्ट वन एंड हाफ ड्रॉप्स नेक पे भी। अब जहाँ आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स हो, पिंपल्स हो, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आपको चाहिए रहेगा एक ब्यूटी स्पंज, जो आप नायका या तो रियल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डैम करके डैबिंग मोशंस में फाउंडेशन को प्रेस करिए। आपको रब नहीं करना है तो वो पैची लगेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये बेस एकदम फ्लॉलेस और सीमलेस लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आपको और कवरेज चाहिए, तो आप थोड़ा और फाउंडेशन ले सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा और कवरेज चाहिए। आप जितना कम फाउंडेशन यूज़ करोगे, उतना ही बेस आपका फ्लॉलेस और केकी नहीं लगेगा। अब कंसीलर के लिए आपके स्किन टोन से जो क्लोजेस्ट कलर है वो आप यूज़ करिए। आई एम यूजिंग एले गर्ल प्रो कंसील इन द शेड मीडियम बेज। ये आपके डार्क सर्कल्स में जहाँ पे भी डार्कनेस है आप लगा सकते हैं। और मैं आईलिड्स पे भी लगाऊंगी, सो इट विल एक्ट लाइक अ प्राइमर फॉर माय आई शैडो। बिकॉज मेरे फेस पे और कोई डार्क स्पॉट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, मगर मैं फिर भी थोड़ा स्पॉट कंसील करना चाहूँगी, तो मैं सेम कंसीलर यूज़ करूँगी। थोड़े जो मार्क्स मुझे दिख रहे हैं नोज़ के, यहाँ पे रेडनेस है। और थोड़े एक्ने स्पॉट्स के लिए फिर हम एक छोटा कंसीलर ब्रश लेंगे। ये रियल टेक्निक्स का है। इसको हम बफ करेंगे। आईलिड्स पे भी आपको स्वाइप नहीं करना है। आप जितना एक जगह पे ब्रश करोगे, उतना कवरेज आपको ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ पे आपने स्पॉट कंसील किया है वहाँ पे भी। अगर आपको लग रहा है कि कंसीलर ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो आप वापस वो ब्यूटी ब्लेंडर या तो जो मेकअप स्पंज है आपका वो लेके थोड़ा सा डैब कर दीजिए, सो दैट इट हैज़ एन इवन फिनिश। अगर आपको हाईलाइट करना है, तो आप एक शेड लाइट कंसीलर लेके आईज़ के इनर कॉर्नर्स में, और यहाँ थोड़ा फोरहेड में, नोज़ के ब्रिज में, और थोड़ा चिन पे सेम स्पंज को लेके। जब आप नोज़ पे करेंगे तो स्ट्रेट डैबिंग मोशंस करिए, आप इनको मूव नहीं कीजिए। अब हम अंडर आईज़ को सेट करेंगे। सेट करने के लिए हमेशा एक लूज़ पाउडर यूज़ करिए, सो दैट आपके अंडर आईज़ ड्राई ना लगे। मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी लूज़ फिनिशिंग पाउडर। आईलिड्स पे भी आप सेम ब्रश और पाउडर से सेट कर सकते हैं।
रेस्ट ऑफ द फेस सेट करने के लिए आप आपका फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिट मी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और एक फ्लफी पाउडर ब्रश, उसको डैब करके ही आपको पाउडर लगाना है, स्वीपिंग ना करें। फॉरहेड पे भी पाउडर को प्रेस करें स्किन के अगेंस्ट। आईब्रो को शेप करने के लिए इजीस्ट टेक्निक है एक आईब्रो पेंसिल यूज़ करना। पहले स्पूली से आप ब्रश कर लीजिए और पेंसिल एंड से आप फिल करिए। आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी W7 का इन द बफ आई शेडो पैलेट। मैं यूज़ कर रही हूँ MAC 217 आई शेडो बफ करने के लिए यूजिंग दिस ब्राउन शेड जो कि एक्सेस है। इसको थोड़ा टैप कर दीजिए और क्रीज में, आप जब क्रीज में लगाओगे तो थोड़ा हेड टिल्ट कर लीजिए तो आपको ये जो आई बॉल का सॉकेट है वो आपको क्लियरली नज़र आएगा, वो है आपका क्रीज जहाँ पे ट्रांजिशन डार्क शेड जो है वो लगेगा। आपका क्रीज हो चुका है। अभी आईलेट के लिए आप कोई भी लाइट शिमरी या मैट शेड यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मिडिल वाला शेड यूज़ करूँगी, इसको डैब करके सॉफ्ट पैटिंग मोशन से आप आईलेट को कलर करिए। आपको सिर्फ कॉर्नर से 3/4 ऑफ द आई तक आपको लिड शेड लगाना चाहिए। फिर आप एक छोटा पेंसिल ब्रश लेके सेम क्रीज वाला ब्राउन शेड आप बिलो दी लैश लाइन लगा सकते हैं सो दैट द आई लुक्स कंप्लीट। अब हम लैशेस कर्ल करेंगे। मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन लैश सेंसेशनल। आईलैशेस के बाद अब हम आएंगे कॉन्टोर पे। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप गीक का हाफ हार्टेड वार्म मीडियम कॉन्टोर पाउडर और ब्रश के लिए प्रो आर्ट PF12। अगर आपको पता नहीं है कॉन्टोर कहाँ होना चाहिए तो आप अपने हैंड को ऐसे करके इंडेक्स फिंगर लिप पे और थंब अपने ईयर के टॉप पे करके ये जो एरिया है ये आपका कॉन्टोर एरिया होता है। तो आप अपना फिशी फेस बना के यहाँ आप कॉन्टोर करेंगे। आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं करने हैं, थोड़ा पाउडर लेके सर्कुलर मोशंस में आपको चीक बोन्स चिजल आउट करना है और थोड़ा टेम्पल्स की तरफ। साइड पे नोज़ को कॉन्टर करने के लिए सेम ब्रश और सेम पाउडर से हल्का सा लेके इसको स्क्विश करिए और नोज़ के साइड पे स्ट्रेट लगा दीजिए। थोड़ा सेंटर पे ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी फ्रीडम इनग्लॉट का फ्रीडम सिस्टम ब्लश नंबर 30। आप कोई भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं एंड ये रियल टेक्निक्स का ब्लश ब्रश। थोड़ा सा लेके एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे अगेन डैबिंग मोशन। हाइलाइटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ओडबो का हाइलाइटर इन द नंबर 5 और ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटिंग ब्रश P75। सारे मिक्स करके आपको ये स्ट्राइप मोशन में नहीं लगाना है, जब आप लगाओगे तो इसे सर्कुलर मोशंस में लगाइए सो दैट कोई हार्श लाइंस ना रहे
और ये सीमलेस लगे। थोड़ा चिन पे क्यूपिड्स बो और नोज पे लगाने के लिए वही ब्रश से थोड़ा स्क्विश करके और थोड़ा सा टिप ऑफ द नोज। और मैं सेम हाइलाइटर यूज करूंगी इनर कॉर्नर को ब्राइटन करने के लिए, तो सिर्फ ये दो मिक्स करके और आप ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर सकते हैं। सिर्फ ये आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे। और लास्टली लिपस्टिक के लिए ये पैक का रेट्रो मैट लिप ग्लॉस इन द नंबर 7 टेडी बेयर।